ओके ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, अभी वेट नहीं कर रहे बिकॉज आज मेरे को भूख लग गई जोल के। ठीक है, तो जो चीज़ है उस चीज़ को हम देख लेते हैं एक बार और हम उसमें मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमें मॉडिफिकेशन करके हमें थोड़ा सा उसको ठीक करना है। बिकॉज सबसे पहले तो मेन्यू चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं रन करके एक बार देखा देता हूँ कि क्या चीज़ अपने पास अवेलेबल है, कितना कोड अवेलेबल है और क्या चीज़ें हमें और भी चाहिए। ठीक है, सो इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ। ओके बोल रहा है स्टूडेंट वन डेटा, चलो सही है, ये वाला तो मेरे काम में आ जाएगा। तो डाल रहा हूँ मैं राम, डाल दिया। पेपर वन तो 10 20 कुछ भी डाल सकते हो यार, मेरे को ना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम, इसलिए मैं रिपीटेड 10 20 ऐसा ही डाल देता हूँ। नेम तो श्याम, मेरे पास ज़्यादा नाम नहीं है, अब मेरे उंगलियों को नाम याद हो गए इसलिए मैं वही नाम से लेता हूँ। एंड गीता एंड 30 30 एंड 30। ओके, तो ये चीज़ है हमारे पास अवेलेबल पहले से, तो हम इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलो ठीक है, अब इस चीज़ को यूज़ करने के पहले हम देखते हैं सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए। तो जैसे लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट में किया था वैसे ही उसी तरीके से हम करेंगे। क्या करेंगे, स्टूडेंट ऑल डिटेल्स सिस्टम है बट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट, तो हम सबसे पहले तो ये प्रिंट करना चाहते हैं। सिंपली कॉपी करो। अब क्या करो कि ये जो है ना, पहले तो रुक जाओ, पहले जितना कोड है ना उसको ना नीचे रख देता हूँ, बिकॉज अभी मुझे तो फिलहाल की केस में मेरे को ना इतना टेंशन वाला नहीं चाहिए कोड, तो मैं सारा कोड को उठा के एकदम भी नीचे नहीं जाता, नहीं तो बार बार मुझे नीचे ऊपर करते रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल सा, ये पहले वाले इसमें डाल देता हूँ मेरा स्ट्रक्चर एंड रिमेनिंग कोड, और थोड़ा थोड़ा स्क्रैप से स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये कोड मैं यूज करूंगा बिकॉज इतना कोड कौन लिखते बैठेगा ना, तो इस कोड को मैं यूटिलाइज करूंगा, पर अभी के केस में मैंने उसको रख दिया, अभी ब्लैंक है मेरा मेन मेथड। सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, तो सबसे पहले वेलकम टू दी स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम, इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, और आपको पता है क्या करना पड़ेगा, सिंपली प्रिंट एफ एंड ये एंड न्यू लाइन, खत्म हो गया सम्प्लाई विषय। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है टाइप करते करते तो आप चैट विंडो में डाल सकते हो कि सर ये थोड़ा गलत हो गया, बिकॉज कभी कभी ध्यान नहीं चलता। ठीक है, कभी कभी मैं इधर उधर निकल लेता हूँ, ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हो बार बार। सेम चीज़ यहाँ से, इतना चीज़ हमें चाहिए तो कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, याद रखना कि यहाँ पे आप फंक्शंस भी बना सकते हो, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं मेन्यू क्रिएट लिखूंगा, बिकॉज आपको पता है ये करने से क्या हो जाता है, इजी हो जाता है चीजें। यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर कोई मेन्यू नहीं, फंक्शन नहीं बनाने वाला हूँ अभी, डायरेक्टली स्टकला प्रिंट एफ में डालना चाहिए। ओके, और चीजें आप सिंपली मैं न्यू लाइन करके ही करूंगा, मतलब भले ही कोड बड़ा होगा चलेगा बट वो इजी पड़ेगा मेरे लिए, रीडिंग के लिए भी और चीजें इजी भी लगेगी। लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा आई नो दैट, बट वो न्यू लाइन डालो ना ये करो ना वो करो, वो थोड़ा मेहनत बच जाएगी मेरे। ठीक है, कॉपी पेस्ट इज इजियर देन वो करना, चाहो तो आप कर सकते हो बिकॉज आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप कोड छोटे करने की कोशिश करना, बट अभी फिलहाल के केस में मेरा ये है कि भाई आपका कंप्लीट हो जाए। सो सिंपली कॉपी एंड यप, इंटर योर चॉइस, और ये कितना दूर होना चाहिए, तो ये एक लाइन दूर होना चाहिए, मतलब दो न्यू लाइन लगेंगी वहाँ पे लास्ट में। एंड प्लीज इंटर योर चॉइस, एंड यू जो चॉइस है वो यूज़र उसके आगे ही डालने वाला है, तो ठीक है इतना ठीक है। एंड ठीक है, ओके, यूज़र जो इनपुट देने वाला है वो, सॉरी हमें क्या बोल रहा हूँ, यूजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्कैनफ यूज़ करना पड़ेगा, डबल कोट्स परसेंट डी, बिकॉज इन यूज़र जो है वो इंटीजर वैल्यूज डालने वाला है, कॉमा करके हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ हमेशा, जहाँ पे इंटर होता है प्रोग्राम स्टार्ट होता है वहाँ से आप डालना स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे सिंपली ले लो कोई वेरिएबल, तो यहाँ पे चॉइस है तो सी एच ले लेता हूँ हमेशा, आपको पता है मैं चॉइस के लिए सी एच लेता हूँ, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, पूरा का पूरा चॉइस भी लिख सकते हो आप, वेरिएबल का नाम ही है। और क्या भूल गया मैं, एम परसेंट बोल गया, तो इस तरीके की कोई गलती हो जाती है तो मेरे को माफ कर देना या फिर बता देना। ओके, अब ये जो सी एच है उसको हमें लेके वापस आना है मेन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी फंक्शन से हमें डेटा को रिटर्न लाना रहता है तो हम यूज करते हैं कीवर्ड रिटर्न, पर ये जो मेरा कीवर्ड है रिटर्न, ये सिर्फ डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, उसके साथ हमें डेटा टाइप चेंज करना पड़ता,
यहाँ पे जो मुझे रिटर्न करना है वो सीएच की वैल्यू, मतलब चॉइस को रिटर्न करना है जो भी यूजर डालेगा, तो जो भी यूजर डालेगा वो सीएच को रिटर्न करना है, तो रिटर्न सीएच की जो टाइप है, रिटर्न टाइप है वो इंट है, तो ये फंक्शन का भी रिटर्न टाइप इंट होगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज हमें वेरिएबल को रिटर्न कराना है और मेरा वेरिएबल जो है सीएच उसका रिटर्न टाइप है इंट। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब इस चीज को यूटिलाइज करके देखते हैं, अगर मुझे देखना है कि सी एच की वैल्यू आ रही है क्या, तो मैं यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो होल्ड करेगा उस नंबर को, तो मैं यहाँ पे सिंपली ए बना रहा हूँ, उसमें जीरो ले लिया इनिशियली कि गार्बेज वैल्यू ना रहे, और ए इक्वल्स टू मैंने बोला मेन्यू, मेन्यू को कॉल करो, तो मेन्यू को जो भी अपन कॉल करेंगे और वो डेटा जो भी यूजर डालेगा सी एच में वो रिटर्न होगा, और रिटर्न होके किस में आएगा, ए में, और ए को हम प्रिंट करा के चेकआउट कर लेंगे कि भाई हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो परसेंट डी एंड कॉमा करके डायरेक्टली वैल्यू जो भी है इंटर्ड नंबर करके लिख लेते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, रन करके एक बार से चेक करते हैं कि हाँ भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, सेमीकोलन भूल गया था, छोटे छोटे प्रोग्राम में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। सो आ गया, वेलकम टू स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम, मेन्यू एड स्टूडेंट, और देखते हैं, सपोज मैं वन चॉइस डालता हूँ तो आ रहा है क्या, इंटर नंबर वन। चलो बढ़िया, आपने इंटर जो किया था नंबर वन वो आया है। एक बार कोई दूसरा नंबर डाल के देख लेते हैं, 55 एंड आ रहा है, तो चलो ये चीज़ तो काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ हमें चाहिए नहीं थी तो इसको हटा दो। नेक्स्ट है कि हमें स्विच केस बनाना पड़ेगा, जब भी आपको तो पता है जब भी आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो आप स्विच केस बनाते हो, है ना। तो स्विच केस हम यहाँ पे बनाएंगे और उसमें हम डेटा बाकी की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है जो ए में आ रहा है उसको स्विच केस के अंदर डाल देंगे, तो मैं क्या करूँगा स्विच, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ए को पास ऑन कर देंगे एंड उसके अंदर केसेस बनाएंगे। सर कितने केसेस? जितने मेन्यू उतने केसेस। आप चाहो तो इसको भी फंक्शन में डाल सकते हो, पर अभी मैं फंक्शन वंक्शन में नहीं डाल रहा, कोड थोड़ा बड़ा होगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। बाकी आप बाद में भी इन फर्दर भी आप इस कोड को छोटा छोटा कर सकते हो, पहले तो आप बना लो, लॉजिक बनाओ, बाद में आप देखो कि कितना मेमोरी बचा सकते हो, कितने कम वेरिएबल्स में आप काम करवा सकते हो, वो बाकी का है, पहले तो लॉजिक क्रिएट करना सीखो। ओके, केस फोर, फोर थे क्या, कितने हैं, कितने मेन्यू है, 1 2 3 4, यस 4 है, तो ये लास्ट है, और भी एक होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट योर जीरो वाला। ठीक है, तो ये हो गया, एंड जीरो केस भी होना चाहिए अगर किसी को एग्जिट करना है तो, नहीं नहीं करना उसको काम, तो जीरो वाला भी दे देता हूँ उसको, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक, और जीरो वाले से पता है थैंक यू वाला आता है ना। ठीक है, ओके, और एक डिफॉल्ट वाला, अगर यूजर ने गलत डाल दिया तो क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट केस एंड ब्रेक। ओके, तो ये मैंने पूरा केस क्रिएट कर लिया, स्विच केस एंड सिंपल सा, अगर यूजर वन करता है तो हमें क्या करने का, ऐड यूजर वाला, ऐड स्टूडेंट डेटा, तो यहाँ पे हमें वही चाहिए, देखते हैं उसके लिए कैसा था, ऐड न्यू स्टूडेंट डेटा ऐसा करके लिख के आना चाहिए, और ओके पहले लिख के आना चाहिए, तो मैं ऊपर उठा रहा हूँ केस वन, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ डाल देता हूँ, कंट्रोल वी, ऐड स्टूडेंट डेटा ऐसा करके लिख के आएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू लाइन डाल देता हूँ, न्यू लाइन एंड न्यू लाइन, यहाँ पे ओके चाहिए था शायद उसको, ओके, सो न्यू लाइन एंड न्यू लाइन, ऐसा करके दो न्यू लाइन डाला और फिर ये प्रिंट होगा, एंड उसके बाद यूजर से क्या लेना चालू करेगा, वो डेटा लेना चालू करेगा, तो जैसे आप देख रहे हो कहा गया ओके, बोलेगा दो न्यू लाइन डालेगा, फिर बोलेगा एड न्यू स्टूडेंट डेटा, देन पूछेगा कि हाउ इंटर, प्लीज इंटर हाउ मेनी स्टूडेंट, तो ये चीज आ जाएंगी, तो यहाँ पे सिंपली मैं कॉपी कर रहा हूँ ये चीज, और चीजें इसको उठा लेते हैं बिकॉज यही चीज है, तो सबसे पहले तो ये जो है हमने जो यूज किया था, स्ट्रक्चर को पटकते हैं पहले तो, बिकॉज अभी इसका टाइम आ गया, स्ट्रक्चर उठा और सबसे ऊपर जाके पटको, बिकॉज कोई भी फंक्शन में भी हम उसको कॉल कर सके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एड स्टूडेंट वाला डेटा डाल दो, तो एड स्टूडेंट के लिए हमारा क्या था, सबसे पहले तो ये वेरिएबल्स वगैरह बना दो, इसको कर दो कट और मेन में जाके डिक्लेयर कर दो, सबसे पहले तो ये सारा फंडा हो जाना चाहिए। अब ए को यहाँ ना डिक्लेयर करते, इसके अंदर ही डाल देता हूँ, बिकॉज क्या ही अलग अलग वो बेचारा रहेगा, तो उसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड अच्छे से दिखेगा।
ठीक है, वेरिएबल वाला है इसलिए मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ दी, आप चाहो तो कमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो, कमेंट यूज़ करना जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो फिलहाल के केस में मैं कमेंट्स वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है क्या चीज़ करना है। ओके, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सा कोड कहाँ का है, तो आप प्लीज़ कमेंट यूज़ करो, कमेंट हमेशा यूज़फुल होते हैं इन फ्यूचर भी उस कोड को समझने के लिए। अभी फिलहाल के केस में मैं नहीं डाल रहा हूँ, बट गलत प्रैक्टिस है ये कि हमें हमेशा कमेंट्स डालना चाहिए, बट कमेंट्स अगर डालते रहा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हालांकि लास्ट में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐड न्यू स्टूडेंट और यहाँ पे हम डेटा लेना चालू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला तो स्टेटमेंट है कि यूज़र से कितना डेटा लेना चाहिए, फिर ओके करके फिर यूज़र से डेटा लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये चीज़ मैंने उठा के ला ली यहाँ पे। ओके ठीक है, एंड ये भी हाँ डन, ओके, और फिर यूज़र से डेटा लेना चालू करना है। तो ये इतना कोड है यूज़र से डेटा लेने के लिए, तो कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। फॉर लूप्स का है, बिकॉज इन फ्यूचर मेरे को प्रॉब्लम ना जाए इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ, बिकॉज मेरे को कर्ली ब्रेसेस का प्रॉब्लम नहीं चाहिए। कभी कभी एक कर्ली ब्रेसेस कम हो जाता है, फिर वो ढूंढते बैठो आधी रात तो उसमें चल जाएंगे, तो वो चीज ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, यूजर से रिकॉर्ड लेना चालू किए। एक एक रिकॉर्ड होने के बाद भी हमें कुछ चाहिए, तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ। तो वो स्टेटमेंट क्या था, तो ये तो ये चीज़ हो चुकी है, तो इसको डिलीट कर दो, इतना ही बचा है। वो स्टेटमेंट क्या था, प्लीज़ इंटर स्टूडेंट यहाँ तक, तो इसको कॉपी करो और कहाँ था ये वाला, इसमें डाल दो। न्यू लाइन डालने की ज़रूरत नहीं बिकॉज मेरे को उसी जगह पे चाहिए। यहाँ पे सिंपली न्यू स्पेस डाल के यूज़र जो भी डालेगा वो एन में जाएगा, देन ओके बोलेगा एंड रिकॉर्ड लेना चालू करेगा, डेटा 1 2 3 4। ठीक है, काफ़ी सही चल रहा है। एंड पूछेगा नेम, रोल नंबर, अच्छा कुछ इस तरीके से पूछना चाहिए। ठीक है, हम कर देते हैं। तो इंटर विंटर नहीं चाहिए, सीधा सीधा रोल पूछेगा वो। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं रहेगा बोल रहा है वो, न्यू लाइन भी नहीं रहेगी, डायरेक्ट डायरेक्ट सामने फेस टू फेस पूछने वाला है वो। नेम यहाँ पे कर दो, हटाओ न्यू लाइन को, हटा दो, सेम चीज पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3। ट्राई करना जैसा दिख रहा है वैसा ही आप डिजाइन करने की कोशिश करो। ठीक है, सो सेम चीज मुझे यही चीज चाहिए, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड सिंपली 2 and 3। ठीक है, यूजर से चीज़ें ले ली, रिजल्ट भी हो चुका है, हमने रिजल्ट भी रख चुके हैं अभी फिलहाल, बाद में उसको शो करने वाले हैं पहले, बट अभी रिजल्ट भी क्रिएट करके रख दिया है। देन बोलना चाहिए एक एक रिजल्ट जब वो सेव कर रहा है तो वो बोलना चाहिए रिकॉर्ड सेव्ड, रिकॉर्ड सेव्ड। तो यहाँ पे भी एक प्रिंट एफ डाल देते हैं, डबल कोट्स एंड लिख देते हैं रिकॉर्ड सेव्ड एंड न्यू लाइन। एंड यहाँ पे भी इसके बाद में भी आप अप्लाई करते हुए चलोगे 2 बार न्यू लाइन, बिकॉज इससे एक डिफरेंस क्रिएट होगा कि भाई हाँ ये अलग चीज़ के लिए एंड न्यू लाइन। ओके, जैसे ही न्यू लाइन आ जाएंगी उसके बाद रिकॉर्ड सेव्ड हो चुका है। उसके बाद हर एक डेटा सेव्ड होने के बाद लास्ट में भी आना चाहिए, जब पूरा रिकॉर्ड सेव हो जाए तो भी आना चाहिए। तो ये फॉर लूप के मैं बाहर यूज़ करूँगा, किसके बाहर, फॉर लूप के बाहर। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर लेता हूँ, डबल कोट्स एंड ये स्टेटमेंट हम डाल देंगे। देखो कुछ इसी तरीके से आप करना तो आपको भी इजी पड़ेगा, ब्रेन को शांति मिलेगी। पहले ढांचा क्रिएट कर लेना कि किस तरीके से सारी चीज़ें होना चाहिए, देन आप बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे। ओके, ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव होने के बाद हमें क्या चलना चाहिए, रिकॉर्ड सेव्ड हो गया, देन उसके बाद फिर से मेनू आना चाहिए। तो ये चीज़ हम अभी तो फिलहाल रुकते, जितना हमने किया है उस चीज़ को हम देखते हैं। ओके, तो क्या चल रहा है, कोलन होता है एंड किसी का ध्यान नहीं गया था वैसे, चुपके से सेमीकोलन बाईपास हो गया। हाँ, कंपाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन करके देखते हैं। मेनू 1 ही ऑप्शन चलेगा, बाकी ऑप्शन के लिए तो कुछ किया नहीं है। सो ओके, एड अ न्यू स्टूडेंट, तो पूछ रहा है प्लीज इंटर हाउ मेनी स्टूडेंट। सो सपोज 2 स्टूडेंट ले रहा हूँ, बिकॉज कितना टाइम, ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। सो स्टूडेंट 1 डेटा, तो पूछ रहा है रोल नंबर 101, नेम सपोज हटा रहे भाई ये, कैप्टन मेरा, पेपर 1 10 10 10। तो हमने तीनों पेपर का डाला 10 10 10, स्टूडेंट 2 का लिए डाटा मांग रहा है। ओके, रिकॉर्ड सेव्ड
स्टूडेंट टू के लिए डेटा मांग रहा है 102, श्याम 20 20 and 20 and बोल रहा है ओके रिकॉर्ड सेव्ड एंड ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव्ड, मतलब कंप्लीट हो गया, ये भी उसने ऐलान कर दिया. ओके तो रिकॉर्ड तो सेव्ड हो रहा है, पर सच में सेव्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें बाकी केसेस को भी स्टार्ट करना पड़ेगा. बट ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होते रहना चाहिए, ये जो भी हमने प्रोसेस बनाया ये सारी प्रोसेस रिपीट होते रहना चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा प्रोसेस है जितना चीज़ मतलब मेनू तक वो चीज़ रिपीट 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 होते रहना चाहिए. ओके अब यहाँ पे देखो और भी एक चीज़ कर सकते हैं, शॉर्टन. क्या शॉर्ट कर सकते हैं कि यार देखो ए बनाया, ए वेरिएबल जो सिर्फ और सिर्फ चॉइस को होल्ड कर रहा है और फिर उसको सी एच में स्विच केस में डाल रहा है, तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मेनू को ही उठा के आप ए के अंदर डाल सकते हो. सर ऐसे कैसे, अरे सिंपल बात है भाई, कि ये डेटा दे रहा है फिर ए में जा रहा है फिर इसमें जा रहा है, तो इनडायरेक्टली जा रहा है ना, कि ये डेटा पहले ए में जाएगा फिर ए इधर डालेगा, तो डायरेक्टली आप मेनू को ही उठाओ ना, वैसे भी तो मेनू ही देने वाला है. तो सिंपली मेनू जो भी रिटर्न करेगा वो डायरेक्टली क्या करेगा, स्विच केस में हम डाल देंगे. ओके और ये फिर वेरिएबल की जरूरत नहीं, मेमोरी हमने बचा ली. इस तरीके से आप बाद में लास्ट में भी कर सकते हो, चलेगा, अभी भी कर दिया तो कोई इशू नहीं है. तो जो भी कुछ आएगा केस उसके लिए वो केस चलेगा. नेक्स्ट ये जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होना चाहिए, तो हमें पता है एक से ज़्यादा बार रिपीट होना चाहिए, तो आप यूज़ करते हैं लूप्स. और सबसे अच्छा जो लूप है रिपीटिंग करने के लिए, अगर ऐसे प्रोसेस को करना है तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हो और उसमें कोई वेरिएबल डाल दो. तो लूपिंग के लिए तो मैं लूप करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसका नाम ही रख दिया मैंने लूप. ओके ये वेरिएबल जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं है, तो मैं सबसे ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो आपको समझ गया कि ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है जिसका नाम क्या रख दिया मैंने लूप, और इनिशियली उसमें डाल दिया वन. अब ये इनिशियली यहाँ पे क्यों क्रिएट किया, ग्लोबली बिकॉज कोई भी फंक्शन से ये जीरो हो सके, ठीक है. और इसके अंदर मैं सिंपली वाइल के अंदर मैंने उस लूप को पास कर दिया, और ये जो वाइल के अंदर जो है ये जो है इसके अंदर पूरा का पूरा स्विच केस बैठा दूंगा मैं, तो जिससे क्या होगा एक से मल्टीपल टाइम आप स्विच केस को आराम से यूज कर पाओगे. तो पूरा का पूरा कोड उठा के मैंने वाइल के अंदर पटक दिया, आप देख रहे होंगे, देखो वाइल का जो है ओपनिंग यहाँ पे है एंड क्लोजिंग जो है वो देखो स्विच केस जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, देखो स्विच केस के जस्ट नीचे, तो पूरा का पूरा जो स्विच केस है वो वाइल लूप के अंदर है. अब इसको छोटा कर लेते हैं, तो थोड़ा कोड देखो छोटा हो गया, देखो वाइल जो है उसके अंदर पूरा स्विच केस है. ओके ठीक है चलो. ओके अब ये चीजें तो हो गई, थोड़ा ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ बिकॉज फिर कल से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है इसको भी थोड़ा बाहर निकाल. हालांकि कलर से समझ में आ जाता है, कोई इशू नहीं है, पर थोड़ा कैसा आंखों को भी समझ में आ जाना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड. इंडेंटेशन हमेशा याद रखो, बिकॉज पाइथन वगैरह पढ़ना है तो इंडेंटेशन पे सबसे ज्यादा फोकस होता है. तो हमने ये कर दिया स्विच, सॉरी केस वन पूरा एग्जीक्यूट होगा और ये बार 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 चलते रहेगा, बिकॉज लूप क्या है, लूप इज बाय डिफॉल्ट वन. तो आप क्या कर सकते हैं, जब यूजर जीरो प्रेस करेगा तो लूप को आप, पता है आपको क्या करना है, उसको सिंपली जीरो कर दो, तो आपका जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा. और यहाँ पे हम लिख सकते डबल कोट्स थैंक यू, ऐसा आप लिख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड न्यू लाइन. हाँ जो भी डिक्योर करना है वो आप डिक्योर कर सकते हो, बात की एक बार फिर से एक बार टेस्टिंग पर्पस के लिए करके देखते हैं कि हाँ भाई एक से ज्यादा बार हो रहा है क्या. सो वन एक ही स्टूडेंट डालता हूँ बिकॉज ज्यादा डेटा नहीं डालना है मुझे. 101 सपोज राम 10 10 and 10 रिकॉर्ड सेव्ड एंड ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड इज सेव्ड करके लिख के आ गया. देखो फिर से आ गया मेन्यू, अब मैं टू डाल के देखते हैं, तो टू के लिए कुछ नहीं था तो फिर से मेन्यू आ गया. अब क्या करते हैं जीरो प्रेस करके देखते हैं और वो थैंक यू बोल रहा है क्या. देखो थैंक यू बोला और एग्जिट हो गया, हमारे प्रोग्राम से हट गया. हालांकि मेनू में वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है हमारा स्विच केस तो चल रहा है. ओके ठीक है नेक्स्ट है कि टू अगर वो प्रेस करता है तो क्या होना चाहिए, टू अगर वो प्रेस करता है तो आना चाहिए हमारा रिजल्ट, मतलब नहीं सॉरी क्या है, शो ऑल स्टूडेंट आना चाहिए. तो यहाँ पे हमने क्या है ऑल स्टूडेंट डेटा, ये सिंपली ये जो है कोड जो बचा हुआ है उसको उठा के आप केस टू में डाल दीजिए, तो ये आपके दो केसेस रेडी हो जाएंगे. ओके इतने तक किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकता है, बिकॉज एकदम बेसिक लास्ट वाले के जैसा ही है, जो पहला टाइम प्रोजेक्ट किए थे उसी के जैसा है, उसमें कोई चेंजेस मैंने किए नहीं है, बस थोड़ा सा डिजाइनिंग में लेके आया हूँ उसको. ओके और ढांचे में बिठा दिया उसको.
जैसे पूरा रिकॉर्ड शो हो जाएंगे तो ये ज़्यादा ही टैब टैब आ रहा था, तो एक टैब में कम कर देता हूँ। ओके ठीक है, अब ठीक है, सुटेबल है। ओके रिकॉर्ड सेव्ड होने के बाद अगर वो टू प्रेस करता है तो ऐसा डेटा दिखाना चाहिए। ठीक है डेटा तो आ जाएगा, रोल नंबर, नेम, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। अच्छा कुछ इस तरीके से वो प्रिंट होना चाहिए, ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐसा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है भाई दिस आप बोलो। सो ऑल स्टूडेंट डेटा ठीक है वैसा ही तो है, बस इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, इधर भी डाल देता हूँ। उसके बाद क्या बोला, रोल नंबर, नेम, रिजल्ट था तो रिजल्ट ना होते हुए पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री था। चलो ठीक है इसको भी कैपिटल कर लेता हूँ। नेम एंड पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, रिजल्ट को हटा के पर वन, फिर से दो टैब डाल के, तो दो टैब एंड तीन टैब। ठीक है देख लेंगे, शायद से दो टैब इज इनफ। एंड सेम चीज कोई कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है पहले में एक टैब है तो यहाँ पे दो टैब हो गए, तो यहाँ पे भी एक टैब, देन सेकंड में दो टैब, इधर टू टैब्स, यहाँ पे तीन टैब हो गया। ठीक है तो नीचे में भी तीन टैब ले लेता हूँ। ओके उसके बाद परसेंट एफ तीन बार होना चाहिए। ठीक है बिकॉज हमने पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री ऐसा करना है, पेपर टू एंड लास्ट वन पेपर थ्री। ठीक है अगर आपकी आंखें फूट रही होंगी तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, बिकॉज मेरी खुद की फूट रही है। अच्छा ठीक है, टैप 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 टैप, ठीक है देन ओके फर्स्ट का हो गया, देन टू टैप्स, ओके कॉपी एंड पेस्ट, एंड सेम चीज दो बार इसको परसेंट एफ से लेके, बिकॉज टू टैप्स है, या एंड या खत्म हो गया, दो टैप देन न्यू लाइन। वैसे लास्ट में नहीं भी रहा टैप तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है कुछ इस तरीके से कर दिया, जब वो पूरा रिकॉर्ड शो कर देगा तो क्या होना चाहिए, क्या लिख के आ रहा है, ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड डन करके लिख के आएगा। ठीक है डन लिख के आना चाहिए, तो ये फॉर लूप के बाहर आएगा। सिंपली यहाँ पे आप डाल दो प्रिंट एफ, कैपिटल हटाओ, प्रिंट एफ डालो एंड लिख के आ जाएगा डन, और न्यू लाइन, न्यू लाइन, सिंपली एंड। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं और आउटपुट का मजा लेते हैं। ठीक है दो या तीन, दो डाल देता हूँ कोई बात नहीं। अरे हाँ तो यहाँ पे एक मिस्टेक है कि अगर उसमें डेटा नहीं होता है तो ना यहाँ पे कुछ भी ये चीज लेनी नहीं चाहिए, उसने बोलना चाहिए प्लीज इंटर डेटा फर्स्ट, तो ये चीज आप करोगे। जैसे मैंने इंटर किया टू तो उसने दिखा दिया कि भाई कुछ भी नहीं है करके, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने बोलना चाहिए प्लीज एंटर डेटा फर्स्ट देन वो शो करेगा, बिकॉज स्टूडेंट ही नहीं है तो शो कहाँ से करवा रहे हो। ठीक है तो ये चीज़ थोड़ा गलत हो गई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और आपको दिख भी गया। ठीक है तो वो चीज़ आप ट्राई करूंगी कि अगर डेटा नहीं है तो बोलना चाहिए, बिकॉज फुल प्रूफ होना चाहिए कभी प्रोजेक्ट। ठीक है चॉइस वन, ओके एड हाउ मेनी स्टूडेंट, तो दो स्टूडेंट, तो यहाँ पे पूछ रहा है रोल नंबर 101, आप सभी को पता है राम, 10 20 10, ठीक है 10 10 10, 102 एंड श्याम, 20 20 एंड 20। ठीक है ओके रिकॉर्ड सेव्ड, ऑल स्टूडेंट डेटा सेव्ड, चलो देखते हैं शो करके। एंड हमने डाला और हमें डेटा दिख रहा है, हालांकि कचला कचला हो गया, और ये कचला कचला क्यों हुआ मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है दो टैब्स ज़्यादा हो गए और ये जो डेटा है ना उसके वजह से वो प्रॉपर आ रही है, तो हम क्या करेंगे एक एक टैब खा लेंगे उनका पेपर्स का। तो ये हटा दिया मैंने, ये लास्ट वाले तो पहले हटा देते हैं, उसका कुछ काम नहीं है वैसे भी, तो इनका भी हटा दिया, और सभी पेपर्स के बीच में सिर्फ एक एक ही टैब डालते हैं। तो वन टैब, थ्री टैप, थ्री टैप। ठीक है सेव करते हैं, रन करके एक बार ट्राई करते हैं, बिकॉज कैसा थोड़े नंबर्स आगे पीछे रहेंगे तो थोड़ा तो डेटा आगे पीछे होगा ही होगा, पर एकदम नहीं होना चाहिए। हाँ चलेगा चलेगा, आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है हर्ष तो आपने को भेज दो, मैं आपका चेक करूंगा, पक्का चेक करूंगा।
फिर से एक बार ऐड न्यू स्टूडेंट, प्लीज इंटर हाउ मेनी स्टूडेंट, सो टू। अच्छा भेज भी दिया क्या? ठीक है, क्लास के बाद मैं चेक करता हूँ। ठीक है, रोल नंबर 1 राम, 10 10 एंड 10, ओके 102 एंड श्याम, 20 20 एंड 20, ओके रिकॉर्ड सेव्ड एंड 2। चलो अभी ठीक लग रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 3 टैब एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो थोड़ा मैं कर देता हूँ 1 टैब, बट अभी फिर से मैं नहीं करूँगा, बात मेहनत हो गई, तो इसमें से 2 टैब हटा देता हूँ, थोड़ा चिपक के आ जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे भाई मेरे पर ये क्या हो रहा है, ई क्या हो रहा है, 30 60 है और 0 0, गलत, ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले तो ये हटा देता हूँ, 3 टैब वाला जो है वो हटा देता हूँ, 2 2 टैब्स। ठीक है, एक ही टैब रखता हूँ, सब में एक एक टैब है ना। हाँ ठीक है, स्लैश टी डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा जी मैं गलत वाला प्रिंट कर रहा हूँ, रिजल्ट ही प्रिंट कर रहा हूँ, बाकी डेटा मेंबर्स मैंने डाला नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेपर पेपर ओ ओ पेपर वन ही दिया था ना, तो थोड़ा मेरे को चेक करने दो, डेटा मेंबर क्या यूज किया था, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, तो मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, थोड़ा गलत ना हो, पेपर्स ना हो वो। ओके, सो पेपर 1 ठीक है, कॉमा करके पेपर 2 पेपर 3 लिखना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे पटक देता हूँ, फिर से कॉमा एंड पटको, सिंपली चेंज करो पेपर 2 एंड पेपर 3, खत्म हो गया। अब चीज़ें ये मैं कर रहा हूँ तो मेरे को मज़ा आ रही है, आप भी करोगे तो आपको भी मज़ा आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना और चीज़ें करना। क्या बोला है, GST भी लगाया है, अरे वाह क्या बात है, GST भी ऐड किया, कितना, 28%। ओके, तो ये वाला चीज हो गई, ये हमने डन कर दिया, देन केस 3 की तरफ चलते हैं। अब पता नहीं सेशन में कितना टाइम बचा है, बट मैं ट्राई करूंगा कि रिजल्ट वाला कर दूं, फिर आप अपडेट वाला ट्राई करना, जो चीज मैं रिजल्ट वाला करूंगा वही सेम चीज आपको अपडेट के लिए करना पड़ेगा, सेम केस है। ठीक है, थोड़ा कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा बस। ओके, तो चलो अपन रिजल्ट के लिए करते हैं, चलो एक बार लास्ट टाइम आखिरी टाइम करके देख ली लेते हैं। चॉइस, इंटर योर चॉइस, 1 हाउ मेनी स्टूडेंट, 2 ही यार, कौन ज्यादा लेगा, 101 राम, 10 10 एंड 10 स्टूडेंट, 2 102 श्याम, अरे यार 20 20 20 20 20 एंड 20, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं जाएंगे, 2 एंड शो डेटा एंड देखो आ गया पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, और स्पेसेस भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। और फिर से उसने दिखाना चालू कर दिया। अबे थर्ड थर्ड में हमें रिजल्ट शो करना है, तो सेम चीज लगेंगी, सेम ही चीज लगेंगी, बस थोड़ा सा चीजें चेंज होंगे, तो देखो चलो बता देता हूँ। अब यहाँ पे सर्च करना है, अभी हमें क्या करना है, एरे के अंदर सर्च करना है कि वो डेटा है या नहीं है, तो थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस के लिए हम चलते हैं, तो कहाँ गया थर्ड केस। ओके, अगर ये होता है तो यूजर से फिर से पूछा जाएगा, ओके बोला जाएगा, और क्या होगा, इंटर योर रोल नंबर, यूजर से पूछा जाएगा इंटर योर रोल नंबर। आप चाहो तो इस सारी चीजों को फंक्शंस में डाल के कर सकते हो, आपके ऊपर है आप क्या यूज करना चाहते हो, बार बार अगर चीजें रिपीट हो रही है तो आप उस चीज कोड को आप छोटा करने की कोशिश करना। अभी फिलहाल के केस में मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं है, 9 मिनट्स बचे हैं। ओके, अगर आज केस में नहीं कम्प्लीट हुआ तो कल मैं फिर से उसको लूंगा, डोंट वरी, छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है, इंटर कुटिकलर है, इंटर योर रोल नंबर, तो रोल नंबर यूजर डालेगा और फिर उसका ये चीज होगा, तो मैं बार बार नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ और मैं ना उसी में रख देता हूँ, बिकॉज मुझे देखना है और फिर मुझे कोट करना है, तो बार बार नीचे ऊपर करने से अच्छा इसी में मैं कमेंट करके उस कोट को रख देता हूँ। ठीक है, हाँ तो हमने ये कर दिया, इंटर योर रोल नंबर, यूजर रोल नंबर डालेगा, तो रोल नंबर लेने के लिए स्कैनफ लगेगा, और ये जो है यूजर एक बार रोल नंबर डालने वाला है, मतलब ये जो रोल नंबर है वो टेम्पररी है, कौन सा है, टेम्पररी, तो मैं यहाँ पे TMP रोल कर रहा हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है, टेम्पररी रोल करके एक वेरिएबल बनाया, हालांकि ये वेरिएबल अभी फिलहाल बनाया नहीं है, तो इसको कॉपी करके आप डिक्लेयर कर दो, आप जहाँ पे भी हो वहां से आप डिक्लेयर कर दो, कॉमा करके Ctrl V इक्वल्स टू 0 0 करके आप डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो वो डिक्लेयर हो गया इन टाइप का, बिकॉज यूजर इन टाइप का डालेगा। उसके बाद वो चीज को क्या करना है, हमें
चेक करना है, बिकॉज जो भी डेटा है अगर अवेलेबल है तो शो करो, अदरवाइज मत करो। तो फिलहाल के केस में तो हम पहले ऐसे ही अज्यूम करेंगे कि यूजर जो भी कुछ डेटा डालेगा, सॉरी जो भी रोल नंबर डालेगा वो अवेलेबल वाला ही डालेंगे, हम फॉल्सी वाला नहीं डालेंगे, जो अवेलेबल नहीं है वो नहीं डालेंगे फिलहाल पहले केस में, बाद में हम उस चीज़ को टेस्ट करेंगे। तो इफ हम चेक करेंगे जो भी नंबर है जो टेम्प्ट रोल को, उसको चेक करेंगे इक्वल्स टू किस के साथ, तो हमारा जो एरे है, तो एरे कौन सा है, एरे का नाम है एस, हमने एस डिक्लेयर किया ऊपर में देखो स्टूडेंट का एस, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पे, पहले तो फॉर लूप फॉर लगाएंगे यहाँ पे, फॉर तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला फॉर चाहिए कॉपी, बिकॉज मुझे सभी सभी जितने भी है स्टूडेंट उनके साथ कंपेयर करना है। हाँ, उसके बाद डेटा मेंबर, हमारा डेटा मेंबर रोल नंबर के लिए क्या था, एस ऑफ रोल, उसको चेक किया जाएगा और मैच करके फिर वो प्रिंट करेगा, अगर है तो ही जाके वो प्रिंट करेगा, मतलब फॉर लूप के अंदर ये डालेंगे। ठीक है, फॉर लूप तो चलेगा बट जो रोल नंबर है उसी का डेटा प्रिंट होगा, बाकियों का डेटा प्रिंट नहीं होगा। अब प्रिंट करने का भी तरीका है, किस तरीके से प्रिंट करना है, रोल नंबर नेम रिजल्ट एंड टोटल, इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट एफ डबल कोट्स, अरे डबल रे भाई, और कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, कॉपी पेस्ट, न्यू लाइन आनी चाहिए, उसके बाद पहले ही मैं न्यू लाइन डाल देता हूँ, न्यू लाइन देन परसेंट बी, और जो भी नंबर रहेगा वो प्रिंट होगा, तो ये वाला ही नंबर है वो, कॉपी एंड पेस्ट, ये हो गया। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए उसका, बिकॉज आपने नेम लिखा है तो आप नेम प्रिंट करोगे सेकंड। अरे यार आ जाओ ना मेरे भाई, अरे डुजुक डुजुक, तो कंट्रोल डी नेम आ गया। देन उसके बाद नेम को प्रिंट कराना है तो सेम चीज नेम, तो पता नहीं एन कैपिटल है स्मॉल है, ऊपर जाके चेक कर लेते हैं, नेम का एन स्मॉल है। ठीक है, ये हो गया, फिर से एक बार डुप्लीकेट, और क्या दिखाना है हमें, रिजल्ट पास है या फेल है। तो अब इसमें कैसा, अब उसमें तो इफ एल्स की कंडीशन डालना पड़ेगा, 6 मिनट में वो होगा नहीं, तो अभी के केस में मैं रिजल्ट कितने मिले हैं वो दिखा देता हूँ, बाकी आप इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हो, वो आपको पता है कि किस तरीके से लगाया जाता है। इफ एल्स की कंडीशन लगाना और कुछ लॉजिक खुद से ही लगा लेना कि भाई 30 के ऊपर अगर मिल रहे हैं तो पास है, 40 के ऊपर मिल रहे तो पास है, वो होता है ना 35 के ऊपर है तो पास है, वैसा एक कैटेगरी लगा के आप पासिंग एंड फेलिंग वाला लगा लेना। अभी फिलहाल के केस में मैं रिजल्ट को प्रिंट करा दूंगा। ओके, उस रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। अब रिजल्ट का भी क्या था, एस छोटा था क्या, हाँ एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए, तो मैं उसके जगह पे उसका रिजल्ट शो करा दूंगा। अब जो रिजल्ट है वो फ्लोट में रहेगा तो उसको एफ कर लेंगे, बिकॉज हमने रिजल्ट को फ्लोट में लिया था। ओके, तो रिजल्ट मिल जाएगा उसको एंड टोटल, अरे यार अच्छा हमने दो चीज लिया था क्या, ठीक है कल वाले इसमें मैं फिर से कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, बट अभी के लिए चलो रिजल्ट ही रखते थे, बाद में पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री ऐसा करके और टोटल करके प्रिंट होगा। ठीक है भाई करा देते हैं, 6 मिनट में हो पॉसिबल तो नहीं है पर ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं ट्राई के अलावा। सो यहाँ पे एक टैब डाल देते हैं, टैब एंड यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं एक टैब, यहाँ पे यूज कर लेते हैं दो टैब, टैब एंड टैब। ओके, और एक लास्ट में न्यू लाइन, न्यू लाइन इसमें भी एक न्यू लाइन डाल देता हूँ स्लैश एन, और ये हो गया। देन उसके बाद उसके नीचे प्रिंट भी कराना है, सेम फंडे को मैं डुप्लीकेट मार रहा हूँ और उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पास करूँगा, यहाँ पे पेपर वन है तो यहाँ पे सिंपली हम क्या यूज करेंगे, परसेंट एफ एंड सेम चीज पे परसेंट पाई जाएगा, परसेंट एफ कॉपी पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, सेम चीज यहाँ पे डेटा मेंबर को डालना है, कौन सा रोल नंबर नेम पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री, तो मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर रहा हूँ पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री तक, कॉपी एंड वहाँ पे डाल के रिजल्ट को ऐड कर दूंगा, पेपर वन पेपर टू एक्स्ट्रा हो गया, कॉमा करके एस ब्रैकेट्स ऑफ आई
एंड बस हो ही गया, अब अपन रन करेंगे सीधा डॉट रिजल्ट। ठीक है हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये थर्ड वाला मैंने कैसे भी करके कंप्लीट किया, बिकॉज लेस देन 3 मिनट बचे, तो जितना जुगाड़ मार सकता था मार लिया मैंने। चलो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको आउटपुट। तो फटाक से ले लेता हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, रोल नंबर 101 राम, एंड 10 10 एंड 10, ओके 22 102 एंड श्याम, एंड 20 20 एंड 20, ओके पूरा रिकॉर्ड सेव्ड हो गया। अभी हमें 2 से शो करवा के देख लेते हैं, तो 2 रिकॉर्ड आ चुका है, डन बोल दिया। अभी रिजल्ट शो करते हैं। सो रिडर इंटर योर रोल नंबर, तो यूजर डालना चाहता है 102 का रिजल्ट देखना है हमें, 102 और यहाँ पे आ गया 102 102। ए नेम यू भी ऐसा क्यों आया, ये भी थोड़ा सा जमा नहीं, बट हाँ 20 20 20 60 बराबर है। नेम का कुछ गोची हो गया, तो नेम का क्यों गोची हुआ, ओ सॉरी परसेंटेज होना चाहिए। एंड ये थोड़ा गोची क्या हो गया, अच्छा 2 टैब्स चाहिए थे, यहाँ पे 2 टैब चाहिए, वहाँ पे सिंगल टैब चाहिए, 2 टैब्स। ठीक है तो बाकी तो आप कुछ समझ गया, डिजाइनिंग ये बच्चा है तो ठीक है। सेव एंड ठीक है ओके। तो लेस देन 2 मिनट बचा है, अभी अपन ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, भले ही मैं कल फिर से कर लूँगा, बिकॉज आप कंफ्यूज जाओगे, छोटी सी भी चीज़ें अब मैं करूँगा तो चेंजेस। अब ये तो हो गया सही वाले इनपुट्स के लिए, अभी हमें रॉन्ग इनपुट्स के लिए भी बहुत सारा हैंडलिंग करना है। एज स्टूडेंट 101, नहीं भाई इतने कौन डालते पड़ेगा, 2 स्टूडेंट 101, नेम राम, पेपर 10 10 10, 102 श्याम, 20 20 एंड 20। आप चाहो तो पहले वाले का भी रिकॉर्ड शो करवा सकते हैं, पहले तो दोनों का रिकॉर्ड देख लेते, ठीक है करेक्ट है। एंड चलो रिजल्ट अभी फर्स्ट वाले का देखते हैं, 101 का, एंड चलो ठीक है काफ़ी तरीके से ठीक हो गया, सेट हो गया। न्यू लाइन एक चाहिए थी यहाँ पे, बाकी तो ठीक है ओके। तो लेस देन 1 मिनट बचे, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, जितने भी 10 लोग हैं आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, जितना आपको जम सकता है उतना। हालांकि इतना कोड मैं डाल दूंगा, डोंट वरी, इतना सारा जो कोड है वो मैं डाल दूंगा। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, इनपुट और आउटपुट किया, अभी इफ वाले कंडीशन में ही आएगा रियल मजा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो ओके। बाकी हर्ष आपका मैं प्रोजेक्ट देख लेता हूँ, किसी ने और भी प्रोजेक्ट बनाया है तो आप मेरे कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि आपने कुछ किया है क्या, मतलब कुछ गलती वगैरह वो मैं बता दूंगा आपको, पर्सनली व्हाट्सएप कर दो ओके। मजा आया देख के, और भी सेशन लेता बट खाना खा लेता मैं अभी, बहुत टाइम हो गया, और सो जाता थोड़ा। और आपको पता है आप लोगों ने अभी आपकी लिमिट से ज्यादा अभी कोड करना सीख के लियो, बिकॉज इतने लाइन ऑफ कोड आप पहले कभी किए हो क्या आपके कॉलेज लाइफ में भी? ऑफ कोर्स बातें नहीं, इतने लाइन ऑफ कोड का कभी अपन लिखते नहीं, वो अपन छापते थे बस, अभी कर पा रहे होगे। देयर इज लेस देन 1 मिनट आर लेफ्ट सो